दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, आप किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाते हैं, हाँ दोस्तों आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, आप किसी प्रकार की गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान हो जाता है। आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा जिसकी वजह से आपका चालान नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है, जिसकी वजह से आप अपने चालान को रोक सकते हो और चालान में जो होने के बाद जो आपका पैसा बर्बाद होता है वो आप उससे बच सकते हो। कुछ समय हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहते हैं बट हमें पता नहीं होता और हमारे से भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमारा चालान हो जाता है। इसलिए इन 5 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने पास रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। पहले नंबर पर है ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर एक्ट 1988 के थ्रू सेंट्रल मोटर एक्ट 1989 के थ्रू, इन दोनों एक्ट के थ्रू जो भी व्यक्ति ड्राइविंग करता है उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। सेकंड नंबर पर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें लिखा होता है जिस भी ने भी बाइक को ख़रीदा है वो गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड की गई है। हाँ दोस्तों, जो इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन, जिसने भी बायर है वो गाड़ी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दोस्तों इसके पास थर्ड चीज़ आपके पास होनी जरूरी है, वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हाँ दोस्तों, जो भी गाड़ी रोड पर चलती है उसका इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। रूल मोटर एक्ट 1988 के थ्रू जो भी गाड़ी इंडिया में चलती रोड पर उसके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसको हम PUC बोलते हैं। दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, उसके बाद आपके पास ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन, किसी प्रकार का भी आपके पास आइडेंटिफिकेशंस आइडेंटिटी ज़रूर होनी चाहिए, जिस जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी जो बताती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप दिखा रहे हैं वो सही हैं। तो आपके पास अपनी कोई भी एक आइडेंटिटी होनी अनिवार्य है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी वजह से हम उसको डिफाइंड कर सकेंगे सब चीज़ एक्यूरेट है। तो ये 5 विशेष जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब भी आप कोई भी ट्रैफिक सर आपसे बात करेगा तो आपसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिमांड करता है और फिर गाड़ी के पेपर्स के बारे में पूछता है कि गाड़ी किसके नाम पर है, और उसके बाद धीरे धीरे ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। जब आपके पास एक्यूरेट सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपसे आपका चालान नहीं करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे नियम हैं बट आपको 5 ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही अनिवार्य है कि आप अपने पास रखें, संभाल अपनी गाड़ी जब भी आप रोड पर चलाएं तो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी ताकि आप अपने चालान को बचा सकें। और किसी प्रकार की कोई समस्या आते हैं मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबा सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू गाइस।